हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत कार एक फ्रॉम कोलकाता। तो आज मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सिखाने के लिए, जैसे कि कैसे मैं किस किस कारण से मशीन में जो धागा है हमारा उसमें काटता है, ठीक है, धागा कट जाता है, अगेन एंड अगेन धागा कट जाता है। तो आज मैं ये वीडियो में आप लोगों को बोलूँगा कि किस तरीके से क्या कारण है मशीन से धागा कट जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते रहिए। सबसे पहले फ्रेंड ये देखिए, ऊपर के हिस्से में देखिए, ये हमारा जैसे कि मशीन, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मशीन में, तो एक रिक्वेस्ट आया है तो इसलिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। क्या क्या कारण है मशीन से धागा कटने का। एक फ्रेंड ये जो होता है इस जगह में, जिस जगह में आप लोग ये जो रील रख रहा है, जिस जगह में बहुत मशीन में हम लोग इस जगह रखते हैं, बहुत मशीन में कोई इस जगह रखता है, ठीक है, इसी जगह रखता है, कोई नीचे रखता है, कोई ऊपर रखता है, ठीक है, कोई इसी तरह ऊपर रखता है। तो वो सबसे पहले देखना है दो बात में इस जगह के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखना है ये धागा इजीली रील से आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर यह से रकम थोड़ा सा अटक जाता है तो उसका मतलब है यह से धागा काट जाएगा, ये एक प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात है अगर ठीक से लगाया नहीं जाता, जैसे कि ये इधर रहा है, इधर रहा है, नीचे में भी ऐसा ऐसा है, तो उसका वजह वही है जो मैंने बताया अभी, तो ये क्लियर नहीं आता, इसलिए कटिंग हो जाता है, धागा बार बार काटता है, बार बार काटता है। दूसरी बात देखिए फ्रेंड, इस जगह में देखिए, इस जगह में जो हम टेंशन बोलते हैं इसे, इस टेंशन ज़्यादा अगर टाइट हो तो अगर इसी तरह ये धागा इजीली पास नहीं होता तो उसके लिए भी ये धागा मशीन से कट हो जाता है, ठीक है। अगर बहुत टाइट हो, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अगर ये देखिए क्यों होता है ये टाइट करना पड़ता है, तो क्योंकि नीचे बॉबिन हमारा जितना टाइट होता है उसी हिसाब से ऊपर का टेंशन ठीक ठाक होता है, तो आप नीचे लूज दे दीजिए, ठीक है, तो ठीक हो जाए। ये देखिए बहुत टाइट हो रहा है, तो इसमें आप काम मत करिए, हमेशा लूज टेंशन में आप काम कीजिए इसी तरह। इसके लिए अगर चाहे तो बॉबिन के पत्ती में अगर कोई लूजिंग करना पड़े तो आप वो करिए, मगर लूज टेंशन से आप काम करिए तो धागा नहीं कटेगा इसके लिए, और अगर ये टाइट हो तो धागा कटेगा। दूसरी बात से मैं एक एक करके फ्रेंड जा रहा हूँ यहाँ से, उसके बाद यहाँ से यह, तो यह देख रहे हैं आप, ये जैसे कि नीडल के ऊपर इस जगह में रहता है, इस जगह में रहता है, तो धागा को इसके अंदर से देना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड मैं, ठीक है फ्रेंड मैं दिखा रहा हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ठीक है, तो देखिए मैंने जब भी दिया तो इसके अंदर दे रहा हूँ, ये देखिए, और उसके बाद इसके अंदर दे रहा हूँ, और दूसरी बात इस जगह में एक इसी तरह हुक रहता है, तो ये अगर ना दिया हो तो जब हम मशीन को जब रनिंग करते तो ये धागा इसी तरह होके ये भी टूट जाता है, किसी तरह ये अटक जाता है और टूट जाता है। अगर इसके अंदर सही दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। ये देखिए बहुत इजीली, और इस जगह में एक नॉप रहता है इसी तरह, उसमें भी ये धागा दिया रहता है, वो नहीं कटेगा, ना दिया हो तो कटेगा, ठीक है। तो आप लोग देख लेना ये आपके मशीन में सही हो कि नहीं। और उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये नीडल, ठीक है, तो इस जगह में दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक और एक बात बता दूँ। चलिए तो फ्रेंड हमेशा देखिए, मैं बहुत पास से कर रहा हूँ, तो फ्रेंड और एक बात मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए मैंने बहुत ही जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या है देखिए, हमारा नीडल अगर ठीक तरीका से सेटअप ना हुआ तो उसके लिए भी धागा कट जाता है, ये मैंने देखा है 90% इसके वजह से होता है। अगर जो ये नीडल होता है, ये नीडल अगर और भी वजह है, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप सुनते जाए एक एक पॉइंट को, आपका मशीन में क्यों कट हो रहा है, मैं तो मशीन नहीं दिख रहा, तो मशीन अगर कट हो रहा है तो आप जो जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ एक एक करके आप देखिए,
ठीक है, उसे देखिए एक एक करके, जो जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ उसके अंदर एक पॉइंट शायद आपके मशीन में होगा तो इसीलिए कट हो रहा है। तो कि इसके बाहर कुछ भी नहीं होता, ज़्यादातर से ही होता है। और मेज़र कोई प्रॉब्लम हो तो आपको दुकान में लेकर ठीक करना है। देखिए निरिल को कैसे रखना है, तो ये देखिए यहाँ से मैं और भी पास रख रहा हूँ। ये देखिए बाहर से इसी इसी तरह छेद किया हुआ एक जगह है, ठीक है, देखिए छेद हुआ हुआ एक जगह है, वो जगह बाहर रहता है हमेशा। और इस तरफ देखिए एक वेब की तरह दिख रहा है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड। तो ये देखिए इस जगह से थोड़ा सा वेब की तरह है, ठीक है, यानी कि एक कार्व इस जगह में क्या है, तो ये हमेशा राइट में रहेगा और मशीन इस तरह चलता है। और ये अगर ऐसा हो तो इसके लिए भी कट हो जाता है कि आपको ये कार्ब वाला पोजीशन आप बाहर दे दिया और ये छेद वाला पोजीशन आप अंदर दे दे, इसके लिए भी कटता है। और दूसरी बात और भी बात है, जैसे कि ये नीडिल को अगर इसी तरह, जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल लग रहा है, यानी कि ये बिल्कुल सीधा लग रहा है, अगर इसी तरह से थोड़ा सा इधर उधर लेफ्ट में भी हिल जाता है तो भी कट हो जाता है धागा, ठीक है। और एक बात मैंने देखा है, ये मशीन चलाने के बाद क्या होता है, ये देखिए इसके अंदर चले जाता है, पाक हो जाता है, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। हाँ ये देखिए मशीन चलाने के बाद चलाते चलाते ये देखिए इसी तरह ना पाक हो जाता है, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये उधर से फोल्ड होके इस तरह भी अगर आपके मशीन में चलते चलते ऐसा भी हो जाए धागा तो उसके लिए भी काट हो जाता है। और उसके बाद मशीन के जो ये जो नीडिल है, ये नीडिल अगर ज़्यादा धार हो जाता है उसके लिए भी कट जाता है, ज़्यादा धार हो जाता है तो इसके लिए भी कट जाता है। और इसमें फ्रेंड अगर थोड़ा सा किसी वजह से ये टक्कर खाने के बाद इस जगह में थोड़ा सा इधर उधर होता है, यानी कि नीडल टूट जाता है, इसका आगा ठीक ठाक नहीं रहता है, उसकी वजह से ही कटता है। चलिए इसके वजह हो गया है। और चलिए उसके बाद क्या होता है, ये हमारे मशीन के अंदर जो दांत है ना, ये देखिए ये मशीन का जो दांत होता है, तो ये ज़्यादा धार होने से भी कटता है, ठीक है, धागा को कटता है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए ये मशीन के अंदर, ये देखिए ये छेद हुआ हुआ जगह है, इसके वजह से भी कटता है, ताकि ये नीडिल से क्या बोलते हैं, इसे नीडिल में जो घसा लगता है तो उसकी वजह से भी कटता है, ठीक है। ये ऊपर का बात है। और नीचे फ्रेंड और भी मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सारे वजह होते हैं। ये देखिए मैंने बॉबिन केस निकाला है, ठीक है, तो बॉबिन केस में क्या होता है, ये अगर ज़्यादा टाइट हो, ताकि ये धागा बहुत अगर टाइट हो तो ये इसके लिए भी धागा कटता है। तो अगर ज़्यादा टाइट हो तो ये थोड़ा सा लूजिंग देना है इधर इधर से, ये स्क्रू है और ये पत्ती निकल कर भी काम किया जा सकता है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, उस वक्त इसी तरह देकर आपको इसके अंदर से धागा को देना पड़ता है, ठीक है, इसके अंदर से धागा को देकर हम लोग करते हैं, कोई बात नहीं, ये विदाउट पट्टी में पाती में हम लोग काम करते हैं, इसी तरह नीचे से देकर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसे नीचे देकर भी किया जा सकता है। और उसके बाद जैसे कि ये इधर से क्या होता है, हम जब इसी तरह देख रहे, आप देख रहे हैं ये बहुत इजी है, क्लियर है, हमारा मशीन ठीक ठाक है, तो कभी कभी देखा है ऐसे धागा खींचने से क्या होता है, तो ये क्लियरली अपना धागा को पास नहीं कर पाता है ये बॉबिन, ठीक है, इसलिए भी काट होता है। तो आपको देखना है, तो उसकी अगर ठीक ठाक करना है तो नीचे ऑयल देना पड़ता है, कभी कभी हम कागज़ दे देते हैं, ये देखिए हमारा मशीन में भी कागज़ दिया है नीचे, तो इस सब कारण होता है। अब ऑयल दीजिए, ये लगभग ठीक ठाक हो जाता है, ठीक है, और दोनों बराबर का टेंशन ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है, नीचे का बॉबिन का टेंशन और ऊपर ऊपर इस जगह का टेंशन, ये देखिए ऊपर जो हमारा टेंशन ऊपर का टेंशन है, ठीक है,
ऊपर का टेंशन है, इस जगह का टेंशन, ये दोनों इक्वल कर ठीक ठाक करके आपको चलाना होता है। इसके लिए भी धागा कट जाता है, ठीक है। और चलिए ये ऊपर का पार्ट, नीचे में से और एक होता है, चलिए मैं कैमरा को ट्राई कर रहा हूँ नीचे देकर दिखाने के लिए। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने मशीन के नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा मशीन का जो शाटल होता है ना फ्रेंड, तो इसकी वजह से भी काट हो जाता है, ठीक है। ये शाटल इस जगह में होता है, और ये अगर बहुत इस पत्ती में धार हो जाता है तो इसलिए भी होता है, ठीक है। तो शाटल में जो अगर ज़्यादा टाइट हो तो इसके लिए भी होता है, ठीक है। ये आप देख लेना शाटल में क्या होता है। शाटल में हमेशा जब नीडिल हुआ से नीचे आता है, उस वक्त हमारा जो शाटल होता है वो घूम के थोड़ा सा जो बॉबिन से अपना धागा को पास करता है ऊपर, तो उस वक्त क्या होता है, जो शाटल का जो नैरो पोजीशन है बहुत धार हो जाता है, तो इसके लिए भी कट हो जाता है, ठीक है। ये सब देखना है। और एक बात है, सिंपल और एक टेक्निक है मैं बता रहा हूँ। और फ्रेंड ये देखिए, मैंने मशीन के नीचे से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हमारा मशीन का जो शाटल होता है ना फ्रेंड, तो इसकी वजह से भी काट हो जाता है, ठीक है। ये शाटल इस जगह में होता है, और ये अगर बहुत इस पत्ती में धार हो जाता है तो इसलिए भी होता है, ठीक है। तो शाटल में जो अगर ज़्यादा टाइट हो तो इसके लिए भी होता है, ठीक है। ये आप देख लेना शाटल में क्या होता है। शाटल में हमेशा जब नीडिल हुआ से नीचे आता है, उस वक्त हमारा जो शाटल होता है वो घूम के थोड़ा सा जो बॉबिन से अपना धागा को पास करता है ऊपर, तो उस वक्त क्या होता है, जो शाटल का जो नैरो पोजीशन है बहुत धार हो जाता है, तो इसके लिए भी कट हो जाता है, ठीक है। ये सब देखना है। और एक बात है, सिंपल और एक टेक्निक है मैं बता रहा हूँ, लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड, वो है मशीन चलाने का टेक्निक। जो लोग मोटर में चलाते हैं तो ये देखिए, हम लोग इजी तरीके से चला रहा है ठीक ठाक, और उन लोग क्या करते हैं ऐसे ऐसे करें, हम लोगों के नहीं होगा क्योंकि हमारा तो ये सेटअप है। जो लोग नया है आप देखेंगे, जो वो लोग खींच खींच के पैडल करते हैं, यानी कि पैडल करते हैं अबर उठाते हैं, पैडल करते हैं उठाते हैं, तो इसी तरह कट 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 ब्रेक जानने के जैसा होता है। जैसे कि हम गाड़ी में ब्रेक करते हैं, चलने चलने के बाद ब्रेक करते हैं, तो उसी तरह चलाने की वजह से भी धागा कटता है। ये मशीन का एकदम माइनर प्रॉब्लम है ये, तो आप देखिए इसकी वजह से शायद धागा को काटता है। नेचुरली नॉर्मली मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और ये सब जो टेक्निक मैंने बताया ये बहुत ही सिंपल है, ये सभी मशीन में ही होता है, मगर हम लोगों को ये थोड़ा सा काम जानकर ये चलाना पड़ता है, ठीक है। हमेशा हम जब मशीन चलाएंगे तो उस वक्त क्या है, नीचे का टेंशन हमें हमेशा देखना है, और ऊपर का टेंशन तो देखना ही है, और बार बार जो अगेन एंड अगेन आपको इसी तरह टेंशन को ठीक करना, सिंपली जस्ट ये। अगर धागा को चेंज करें तो इससे टेंशन कभी लूज देते हैं, कभी टाइट देकर हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो यही तो वजह है धागा कटने के लिए। तो आप ये सब देखिए जो मैंने बताया, इसके अलावा कोई दूसरा टेक्निक अगर हो तो आप मानिए उसका मेजर प्रॉब्लम, तो उसके लिए आपको दुकान में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोलूँगा। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे थे, तो अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो फ्रेंड आप लोग तुरंत हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को मैं जितना वीडियो अपलोड करता हूँ हमेशा तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप हमारा जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत आसानी से वीडियो देख पाएंगे, ठीक है, और वो एकदम फ्री है। तो आज के लिए इतना ही सही था फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि एंड गुड नाइट।